कहते हैं कि शमशान घाट स्वर्ग द्वार भी होता है, लेकिन चक्रधरपुर के शमशान घाट में प्रवेश करते ही जो दृश्य नजर आता है वो भयावह है। चारों तरफ यहाँ कूड़ा कचरा का ढेर लगा है। इस इलाके में नगर परिषद का कचरा डंप किया जाता है, जिससे कचरे का अंबार यहाँ लग गया है। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो नगर परिषद के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वही सब कुछ बन जाएगा। तात्कालिक में एक जगह और चिन्हित किए हैं, वहाँ नाली बनने की बात अभी सामने आई है, वो बन जाता है, वो डॉन एरिया है, वहाँ भी हम लोग फेंकेंगे। शमशान घाट हमारी मजबूरी है जिसके चलते हम वहाँ फेंक रहे हैं। हमारा शौक नहीं है कि हम वहाँ ही फेंकें। वहाँ चूँकि शमशान घाट है, लोग जाते हैं, दुखी मन से जाते हैं, दाह संस्कार में भाग लेते हैं। हम भी चाहते हैं उसको बेहतर बनाए, वहाँ प्लांटेशन हो, साफ सफाई हो, ऐसा शमशान घाट है। जबकि दूसरे धर्मावलंबी जो शमशान घाट है धर्म के लोगों का, वो साफ़ सुथरा और साफ सफाई करना का दायित्व म्यूनसिपल पर है, म्यूनसिपलिटी पर है, परंतु यहाँ का शमशान का कचरा बनाने में म्यूनसिपलिटी का हाथ है। म्यूनसिपलिटी इतना गंदगी यहाँ जमा कर रहा है कि हम नहीं समझते हैं। कलकत्ता, बॉम्बे, रांची, जमशेदपुर, कहीं पर भी इस तरह का गंदगी जमा होने का हम नहीं देखे हैं। यही पर म्यूनसिपालिटी को सीखना चाहिए बाहर जाकर के कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ गंदगी जमा करके यहाँ शमशान घाट को बर्बाद करना हिंदू लोग का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है।